कंप्लीट होने जा रहा है दिसंबर में। हमारे क्षेत्र में कई पुलों की मांग थी, उसमें से कई पुल पास हो गए हैं, एक तो डेरापुर का, एक सदना का और इंद्रुक का। अभी दो पुल और है, मेरी मांग है सिटपरा और वाजपेयीपुरवा की, ये बहुत जल्दी ये भी कार हो जाएंगे। और मेरी सिकंदरा विधानसभा में जब मैं आया था यहाँ पे बहुत ही जर्जर रोडें थी, खस्ता हाल थी, लेकिन आज आप जब जाएंगे कुछ रोडें छोड़ के लगभग सभी रोडों का कार हो चुका है, लोग फराटा भर रहे हैं। जनता के लिए या क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम जो छूट गया हो, जो जिस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया हो? मैं जनता के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ, और जनता द्वारा जो काम मुझे बताए गए मैं वही काम कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा मैं विदित होगा कि काम छूटा है, जनता मुझसे कहेगी, मैं जरूर कराऊंगा। विधायक निधि के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये सही है, जनता हितैषी है? विधायक निधि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जो हमारे गांव के किसान भाई हैं, छोटे मोटे काम है, रोड वगैरह है, खरंजा है, उसको हम लोग बड़े आसानी से करा लेते हैं और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? मेरे विधानसभा में जब से मैं विधायक बना, सबसे पहली मुख्य समस्या थी यहाँ पर जो बेमई पुल नहीं बना हुआ था, अमराट कैनाल नहीं था, सिंचाई की बहुत अव्यवस्था थी और लोगों को आवागमन जाने में दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन आज माननीय योगी जी की सरकार, पिछले 3.5 वर्षों में उन्होंने ऐसा कार्य किया है इस सिकंदरा विधानसभा के लिए कि जनता को बहुत राहत है। जो छूटे हुए कार थे वो कार हो रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस सिकंदरा विधानसभा का समुचित विकास कराकर देगा। धन्यवाद। वो काम चालू हो गया, हमारे अमराट कर रहा हूँ, इस विधानसभा को मैं आदर्श विधानसभा बनाने के रूप में, उसके लिए मैं इस विधानसभा के लिए बहुत सारे काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी बेमई का जो पुल है पिछले 20 सालों से नहीं बन रहा था,